हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं कुंभ की नगरी प्रयागराज में। सिर्फ एक दिन के अंदर प्रयागराज में कौन कौन से लोकेशंस आप घूम सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं प्रयागराज के। प्रयागराज, जिसे आज से कुछ समय पहले तक इलाहाबाद नाम से जाना जाता था, जो कि उत्तर प्रदेश की मेन सिटीज़ में से एक है और हमारे देश की सबसे पवित्र सिटी मानी जाती है। और प्रयागराज में होता है त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती नदी का संगम होता है। हर रोज़ यहां हज़ारों की संख्या में लोग संगम स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयागराज में हर 12 साल में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन भी होता है। आइए बात करते हैं कैसे आप प्रयागराज तक आ सकते हैं। देश में कहीं से भी यहां पहुंचने के लिए आप प्रयागराज जंक्शन के लिए अपनी ट्रेन बुकिंग्स कर सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको अपनी टिकट्स बुक करनी होगी प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए, जो कि मेन सिटी से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वेयर टू स्टे इन प्रयागराज। प्रयागराज में आपको लगभग हर रेंज के होटल्स और धर्मशाला रुकने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप प्रीमियम होटल में स्टे प्रेफर करते हैं तो आप सिविल लाइन्स एरिया में होटल्स देख सकते हैं, और मीडियम रेंज होटल्स आपको रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पे मिल जाएंगे। और फिर रामबाग में होटल कावेरी में चेक इन करने के बाद मैं शेयरिंग ऑटो में बैठकर सीधे पहुंच गया त्रिवेणी संगम देखने के लिए। तो गाइज, यहाँ मेरी बोट फाइनल हो गई है। 1200 रुपये से स्टार्ट हुई, बारगेनिंग करते करते 400 में बात फाइनल हो गई है। अरे अपन ले लिया जितना हुई चले, ये संभाल रहा है चप्पल के डिम्स। तो गाइज, बोट में बैठ चुका हूँ मैं, और अब जा रहा हूँ यहाँ से त्रिवेणी संगम की तरफ, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो यहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं खूब सारे, उनको खाना खिलाने के लिए मैंने ये नमकीन का पैकेट ले लिया है, और नमकीन का पैकेट भी नदी के बीचों बीच ही मिल रहा है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो चलिए डाल देते हैं। बुलाओ यार, कैसे डाल दूँ ऐसी। तो ये सारे साइबेरियन बर्ड्स थे जिनको हमने अभी फीड किया था। आओ आओ आओ, ऐसे नहीं आएंगे ना, नमकीन के साथ ही आएंगे वो। तो गाइस, पहुंच चुके हैं आप त्रिवेणी संगम के पास। लगभग 20 मिनट का समय लगा, और हवा का फ्लो इतना तेज़ है कि बोट को भाई ने बीच में ला के रख दिया था, और उसके बाद अपने आप मूव हो गए, यहाँ पे पहुंच गए। ये थोड़ा बहुत उन्होंने पतवार ज़रूर चलाई, और ये है त्रिवेणी संगम। वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के अभी स्नान करेंगे। ऐसे 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 बोट हो रही है भाई, धुक 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 हो रही है मेरी तो। अभी भैया पूछ रहे हैं नहाओगे कि नहीं नहाओगे, मैंने कहा एक डुबकी तो लगाना बनता है यार, यहाँ पे आया हूँ। राइट को
बड़ी जज्बा खाली नहीं चाहिए। हर हर गंगे तो इस तरीके से आप त्रिवेणी संगम में आके स्नान कर सकते हैं डुबकी लगा के। मजा आ गया तो इस तरीके से आप त्रिवेणी संगम में आके मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया, मन भी पवित्र हो गया। थैंक यू सो मच यार। तो गाइस गंगा स्नान हो गया त्रिवेणी संगम में। तो गंगा और यमुना तो विजिबल होती है, इस तरफ से आती है यमुना और इस तरफ से आती है गंगा जी। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे जो सरस्वती नदी है वो गुप्त रूप से यहाँ पे मिलती है आके। तो गाइस जैसे उत्तराखंड में देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, उसी तरीके से प्रयागों में प्रयाग, संगमों का संगम प्रयागराज कहलाता है। और ये है बड़कू भैया जो हमें लेके आए। गाइस आप लोग व्यूज देखिए, बस इतना खूबसूरत सनसेट का व्यू आ रहा है यहाँ से, सो ब्यूटीफुल। इस समय तो सिर्फ ऐसा लग रहा है ये व्यू देखते हुए कि बस यहाँ पे बैठे रहो, शांति को महसूस करो और इत्मीनान से मोमेंट को एंजॉय करो, मोमेंट को जियो। शायद इसीलिए बुलावा आया था मेरे को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का और ये नज़ारा देखने के लिए जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये था सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कवर किया है सिर्फ एक दिन के ट्रिप के अंदर, वो है त्रिवेणी संगम। इसके बाद यहाँ पे है बड़े हनुमान जी का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, वहाँ चलते हैं। संगम के ऊपर ही वाला मंदिर है और आज शनिवार भी है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है दर्शनार्थियों का, तो वहाँ चलते हैं दर्शन करने के लिए बड़े हनुमान जी। बोटिंग करने का अगर आपका मन हो तो या तो मॉर्निंग में आइए, सनराइज़ विटनेस कर सकेंगे, या फिर आप इवनिंग के टाइम आइए इस तरीके से, लगभग 4:30-5 बजे के आसपास आ जाइए। तो नियम के हिसाब से 5:30 बजे यहाँ पर बोटिंग बंद हो जाती है, 4:30 तक आ जाइए आराम से, तो 5:30 तक आप आराम से डुबकी वगैरह लगा के ईजिली पहुँच सकते हैं वापस, और 6 बजे के आसपास आप गंगा आरती अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, दादा की पेमेंट भी हो गई है 500 रुपीज़, और दादा थैंक यू सो मच, अच्छे से आपने घुमाया। हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर गजब। तो रिवर साइड में पूरी रेती रेत है और यहाँ पे कैमल राइड भी अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखिए तो भैया कितना चार्ज लगता है कैमल राइड का? 50 रुपये एक सवारी का। आंटी जी हाथ हिला दीजिए ऐसे, आप यूट्यूब पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये पूरा संगम एरिया है और ये पूरा किला है अशोका का, और ये पूरा कंटोनमेंट एरिया भी है तो इसलिए इसके अंदर की रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है। तो बैकग्राउंड में आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं, लोग दूर दूर से आए। अभी एक पूरा ग्रुप मिला था मुझे, आंटी अंकल लोग थे, सब के सब हिमाचल से आए थे, उनसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा। दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी यहाँ पे आने के बाद। थोड़ी सी जो उनकी कंप्लेंट थी कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो है ओवर प्राइज्ड है, बट वो आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बार्गेन कर सकते हो। मैंने जो बोट ली थी उस बोट के लिए 1200 रुपये बोला था उन्होंने स्टार्टिंग में, मैं 300 पे अड़ा हुआ था, करते करते 400 पे आए, उतरते उतरते उन्होंने 100 रुपये मेरे से बोला कि आप खुश हो तो खुशी से जो देना चाहो आप दे सकते हो खुशी से, तो मैंने 100 रुपीज़ और दिए। ओवरऑल मेरे को 500 की बोटिंग पड़ी। तो 5 मिनट बचे थे आरती स्टार्ट होने में, ये भाई मिल गया मुझे और ये फटाफट से मुझे ड्रॉप कर रहा है गंगा घाट तक, राम घाट तक, जहाँ पे आरती अटेंड करेंगे अभी हम। आप बनारस यहीं के हो प्रयागराज की? या Oh,
खासी रश है यार। मैं जान बूझ के आगे तक ले जा रहा हूँ, यहाँ जाता नहीं हूँ मैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ हाँ चालू है जी। तो भाई शाम हो चुकी है, लगभग अभी 7 बज रहे हैं और बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के अंदर दर्शन करने के लिए अपन चलते हैं। भाई बड़े हनुमान जी के भव्य दर्शन हो गए, विश्राम स्वरूप में, विश्राम मुद्रा में है श्री लेटे हनुमान जी, और बड़े हनुमान जी का नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ के माहौल में जो वाइब्स है ना, 100% पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह बची ही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। जो जो प्लान किया था वो सारा कर लिया, प्रयागराज संगम पर जाकर डुबकी भी लगा ली और आरती भी अटेंड कर ली, और बड़े हनुमान जी के खूबसूरत दर्शन भी हो गए। मंदिर दर्शन करने के बाद अब मैं वापस अपने रूम पे जा रहा हूँ। लगभग 8:30 बज चुके हैं। आज जो मैंने वीडियो शूट किया वो आज सेकेंड हाफ का वीडियो था, और कल जो मैं शूट करके आपको दिखाऊंगा, 2-3 लोकेशंस हैं, वो फर्स्ट हाफ का वीडियो रहेगा। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ एक फुल डे हो गया। तो आज का डे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। नेक्स्ट डे मैंने दिन की शुरुआत की प्रयागराज के फेमस नाश्ते पूड़ी कचौड़ी और सब्जी के साथ। इसके बाद मैं शेयरिंग ऑटो लेके सीधे पहुंच गया अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क देखने के लिए। तो गाइस पहुंच गया हूं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के सामने, ठीक पार्क के सामने खड़ा हूं, और इस तरफ मेरे पीछे है टिकट काउंटर और एंट्री टिकट है सिर्फ 5 रुपये की। आपकी नॉलेज के लिए 27 फरवरी 1931 को पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जब उनकी पिस्तौल में एक आखिरी गोली बाकी बची तो उन्होंने अपनी आज़ाद रहने की प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। उस समय का अल्फ्रेड पार्क आज अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से जाना जाता है। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि आज संडे का दिन है तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में आए हुए हैं। ये देखो, हेलो बोल दो सारे। हेलो प्रयागराज। तो ये वाली लाइफ ही मस्त होती है यार, संडेज को पिकनिक पे जाया करते थे घर से टिफिन पैक करके। सही है, बच्चे घूम फिर लिए, खाना पीना खा रहे हैं। हेलो, लंच हो रहा है सबका? रिक्शे का वेट कर रहा हूँ। आनंद भवन मिल गया। तो आनंद भवन यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पास से। कितना किलोमीटर होगा अंकल जी यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5-1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो अंकल जी मुझे छोड़ देंगे आनंद भवन तक। आनंद भवन के टिकट काउंटर पर खड़ा हुआ हूँ अभी, और यहाँ पे 2 टिकट्स हैं, 30 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ की। तो ग्राउंड फ्लोर का अगर आपको सिर्फ देखना है तो ग्राउंड फ्लोर का 30 रुपीज़ है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ग्राउंड और फर्स्ट मिला के 100 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। तो मैंने फ़िलहाल टिकट ले ली है, वीडियो रिकॉर्डिंग शायद अंदर अलाउड ना हो, वो चेक करते हैं अंदर चल के, अगर होगी परमिशन मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर मैं आपको वहाँ से विज़िट करने के बाद बताऊँगा मैंने वहाँ क्या क्या चीज़ें देखी। और इसकी टाइमिंग होती है यहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, 1 घंटे का लगभग दोपहर में लंच होता है।
तो आनंद भवन जो है 1927 में बना था, और यहाँ पे नेहरू जी और गांधी जी भी आते रहते थे, रहते थे यहाँ पे, और नेहरू जी का ये मेनली घर हुआ करता था उस टाइम पे। कांग्रेस कमेटी का ये ऑफिस हुआ करता था, गद्दियाँ लगी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं। वी आर महात्मा गांधी ऑफन स्टेड हियर। हेलो सिस्टर, हेलो सिस्टर, हेलो। ये था महात्मा गांधी जी का रूम। पूरा कांच से पैक किया हुआ है, बट ठीक है। अरे वो रहे गांधी जी के तीन बंदर और इनकी चार पाई गांधी जी की। और आनंद भवन से कनेक्टेड है इंदिरा गांधी की बर्थ प्लेस स्वराज भवन। तो अंदर घुसते ही पुराने टाइम की बग्गी मोटर कार है। स्विचेस देखिए, आज भी यहाँ वो वाले हैं, टिक टिक वाले। बहुत एंटीक चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही हैं ब्रिटिश टाइम की। ये नेहरू जी की डेथ की फोटो। तो जो स्वराज भवन है ये पुराना है, और आनंद भवन बाद में बना था ऐसा सिक्योरिटी भैया ने बताया। और जो स्वराज भवन था ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का HO हुआ करता था, हेड ऑफिस। तो गाइस ठीक है, आनंद भवन भी देख लिया है। तो ये थी 4 से 5 लोकेशंस जो सिर्फ एक दिन के अंदर आप प्रयागराज में कवर कर सकते हैं। ये प्राइम लोकेशंस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और मंदिर हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे मिंटो पार्क है और एक दो मंदिर और हैं। समय कम होने की वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाया, सिर्फ एक दिन का टाइम मैंने ओवरऑल कैलकुलेट करा था। कल का सेकेंड हाफ पूरा गया और आज का फर्स्ट हाफ। अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं और यहाँ से मुझे निकलना है लखनऊ के लिए। आइडियली तो मेरे हिसाब से प्रयागराज आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 2 पूरे दिन होने चाहिए यहाँ पे अच्छी तरीके से घूमने के लिए, विटनेस करने के लिए और एंजॉय करने के लिए भी। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स में जाके चेक कर रहा था तो उसमें जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो सिर्फ 2% है, यानी देखते तो लाखों लोग हैं लेकिन सिर्फ 2% लोग ही सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। 98% लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। सो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, एंड ये मेरे लिए थोड़ा सा दिल दुखाने वाली बात हुई थी जो मेरे को महसूस हुई, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सिर्फ 2% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थोड़ा सा हर्ट होता है यार। देख लेना, अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना आप लोग। मेहनत आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को, लाल वाले सब्सक्राइब बटन को टैप करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।